हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं मेडी प्लस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोन्टियर एलसी की टैबलेट के बारे में। दोस्तों, इसका किस किस प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है, क्या इसकी डोजेज हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, क्या इसके अंदर कंटेंट डाला गया है और किस कंडीशन में ये टैबलेट बच्चों को दी जाती है, मैं ये सारी जानकारी अभी आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल मेडी प्लस पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस टैबलेट के बारे में। दोस्तों, इस टैबलेट का नाम आप देख सकते हो दिया गया मोन्टियर एलसी किड, यानी कि ये टैबलेट बच्चों के लिए आती है। दोस्तों, अगर हम इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो आप ये देख सकते हो मोन्टलोकास सोडियम लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर दिया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही फेमस टैबलेट है। दोस्तों, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आप ये देख सकते हो 88 रुपये की आपको 10 टैबलेट मिल जाती हैं। दोस्तों, ये टैबलेट आपको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर, केमिस्ट शॉप या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर हम कंपनी की इसकी बात करें तो आप ये देख सकते हो सिप्ला कंपनी की बनाई हुई है, यानी कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही फेमस कंपनी की ये टैबलेट बनाई हुई है। तो दोस्तों, जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, इसका किस किस प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, छोटे बच्चों को सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है, जिस कंडीशन में डॉक्टर ये टैबलेट उनको रेकमेंड करते हैं। तो दोस्तों, कुछ नॉर्मल सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैं आपको बता दूं, जिससे कि आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और इसका ट्रीटमेंट आप खुद भी कर सकते हैं। तो जान लेते हैं इस टैबलेट को किस किस प्रॉब्लम में लिया जाता है। दोस्तों, सर्दी, जुकाम, खांसी या ज़्यादा छींके आना, बहती नाक, आँखों में जलन, आँखों से पानी आना, आँखों में खुजली होना या स्किन में एलर्जी होना या रैशेज का होना, आपकी बॉडी में कहीं भी किसी भी तरह की अगर एलर्जी हो रही है, छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, आपके चेहरे पे पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, या फिर बच्चे होते हैं जिनको कि छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है, उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, या फिर बच्चों के सीने में जकड़न हो जाती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं और उसकी वजह से उनको सर्दी, जुकाम, खांसी ये बहुत जल्दी हो जाती है। तो दोस्तों, उस प्रॉब्लम में ये टैबलेट बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। और दोस्तों, अगर हम इसके डोजेस के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूँ, 5 साल से ऊपर के बच्चों को आप ये एक टैबलेट शाम को दे सकते हो। अगर बच्चों को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये टैबलेट आप अपने डॉक्टर की एडवाइस के साथ ही दें। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो हर टैबलेट का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, वहीं इसके भी कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नोसिया या वॉमिटिंग या फिर चक्कर आ सकते हैं, या फिर ज़्यादा नींद भी आ सकती है, या फिर दोस्तों लूज़ मोशन भी हो सकता है। दोस्तों, जिस बच्चे को आपने ये टैबलेट दी है, अगर उसको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं कहना चाहूँगा आप इस टैबलेट को बिल्कुल भी ना दें और डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।